आज हेडिंग से क्लियर हो गया होगा बेटा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक करके देख लिया जाए। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में अगर हम बात करें बेटा, तो पहला जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन में अगर बात करें तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, और वहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, या फिर ऐसे सीक्वेंस भी अगर याद करें तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ कार्बो कैटायन पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट, फिर एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन पढ़े, हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन पढ़े। अब हम लोग जो पढ़ चुके हैं रेजोनेंस, तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और यहाँ हम लोग अब मिक्स करके पढ़ेंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को जनरली लगा के। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें बेटा तो सबसे ज़्यादा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल ही करते हैं हम लोग, फर्स्ट एक एग्जाम्पल ले लें अगर हम लोग, मान लीजिए हमारे पास क्या हो, CH3 CH2 पॉजिटिव दिया हो, CH3 CH पॉजिटिव और CH3। तो ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हमको रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ कंपेयर करना है, एक एग्जांपल और यहाँ लिख दे रहे हैं, CH3 C पॉजिटिव CH3 और CH3, ये याद। तो यहाँ आपको बताए थे कि हमको क्या चेक करना है, दो बेटा सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग होता है वो क्या होगा, रेजोनेंस, है ना, फिर उसके बाद क्या आता है, हाइपर कंजुगेशन, देन क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्या आएगा बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक सिंपल होता है, बाकी और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर और ब्रॉड एरिया में चले तो एरोमेटिक, देन क्या जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट आरएस, इक्विवेलेंट आर एस ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर क्या होता है आपके पास आर, है ना, फिर आपके पास क्या जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन क्या आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन बात करें यहाँ, सपोज करो तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन होगा नहीं क्योंकि अल्फा एच नहीं है, यहाँ अगर देखें तो अल्फा एच कितने हैं, 3। यहाँ अल्फा एच की अगर बात की जाए बेटा तो यहाँ 0, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 6, और यहाँ कितना होगा बेटा 9 अल्फा एच, कितने अल्फा एच हैं 9। तो यहाँ आपको एक बात पढ़ाए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ अल्फा एच। तो यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है, हम लोग रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस यहाँ कोई है नहीं, तो सीधे हम क्या लगाएंगे, अल्फा एच। ठीक है, तो अल्फा एच की अगर बात की जाए तो यहाँ बेटा सबसे ज़्यादा है, यानी कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें हम कार्बोकैटायन की, किसकी बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो जिसमें अल्फा एच ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। क्या आएगा बेटा, यहाँ सपोज करो इसको हम कर लें 1 2 3 और 4, तो 4 ज़्यादा आ रहा हो किससे बेटा, 3 देन 2 देन 1, ये होगा हमारा आंसर। ये बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सवाल करें, अगर एग्जांपल 2 ले लें बेटा, और यहाँ हमको सवाल दिया हो कुछ ऐसे, ये दिया हो, ठीक है, ऐसे दिया गया, फर्स्ट सेकंड दिया गया, ये थर्ड दिया गया हो कुछ ऐसे, ऐसे दिया गया, और फोर्थ मान लीजिए दिया हो आपके पास कुछ ऐसे। ठीक है, और हमको क्या लगाना है, यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मेजर करना है। क्या मेजर करना बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। पहले तो मैं अल्फा एच काउंट कर लें बेटा, अल्फा एच की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ कितने अल्फा एच, sp2, ये अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होगा क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ 2, यहाँ कितने मिले होंगे 2 2 4 4 बेटा, यहाँ कितने 2 2 4 4, यहाँ कितने 3
3 to 5. अब स्टेबिलिटी ऑर्डर तुमको पता है हमको, तो यहाँ दो ही इफेक्ट लग सकते हैं, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा या फिर क्या लग रहा होगा, क्या लग रहा है बेटा, हाइपर कंजुगेशन। अभी रेजोनेंस इफेक्ट तो इन्वॉल्व है ही नहीं। अगर हम यहाँ बात करें तो इन चारों में अगर कंपेयर करें बेटा, तो अल्फा जिसमें ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर हम पता करें यहाँ स्टेबिलिटी का, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा, हमारा फिफ्थ है ना, देन क्या आएगा। अब लेकिन यहाँ अगर बात करें बेटा तो अल्फा एच कितना है, 4। अल्फा एच यहाँ पे कितना, 4 भाई। एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन, अल्फा अल्फा, एस पी टू अल्फा अल्फा। लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ क्या हो रहा है, दोनों में सेम हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या चेक कर लेंगे, क्या चेक करें बेटा, वो चेक करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट देखो, ये साइड और ये साइड सेम है। यहाँ क्या है आपके पास, 2 कार्बन, यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3 कार्बन की चेन। तो बताए थे अगर डिग्री सेम हो और नंबर ऑफ कार्बन चेन में बढ़ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर थ्रू द प्लस आई क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो यहाँ प्लस आई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लगेगा इन कंपेयर टू किसके, इसके। तो हम कहेंगे आंसर में क्या आएगा बेटा, थर्ड, क्या आएगा, थर्ड। देन हमारा आ जाएगा सेकेंड, और यहाँ लास्ट में आ जाएगा हमारा फर्स्ट। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा किसका, कार्बोकैटायन का। बात क्लियर है, चलो आगे लिखते हैं हम लोग। तो अभी तक बेटा रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है, चलो। एक अंदर एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास ये दिया गया, फर्स्ट सेकंड दे दिया गया, ये थर्ड दे दिया बेटा, ये दे दिया है ना, और फोर्थ दे दिया हो ये, ठीक है। यहां से स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा हो, तो अब ध्यान से देखो यहां क्या है, हम देखेंगे अल्फा एच की अगर बात करें तो अल्फा एच कितने हैं, 2, यहां 3, 2, 5। यहां अल्फा की बात करें तो 3 है, अल्फा कार्बन कितने हैं, 3। यहां कितने बेटा, अगर यहां देखा जाए ध्यान से देखो, तो ये तो आपके पास क्या इन्वॉल्व होगा, नहीं, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम भी हाइब्रिडाइजेशन से ही कंपेयर कर लेंगे हम लोग। यहाँ अगर देखे बेटा, तो यहाँ अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ रेजोनेंस भी है, क्या है, रेजोनेंस है ना। यहाँ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये पॉजिटिव चार्ज तो ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है और ना ही रेजोनेंस में, ये बात क्लियर है। तो यहाँ अगर रेजोनेंस होगा बेटा, तो रेजोनेंस होने की वजह से ये इधर शिफ्ट कर सकता है, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ये मिल जाएगा बेटा, है ना। फिर ये यहाँ आ जाए तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस कार्बन पे, यहाँ और यहाँ दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जरूर होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं होता है जितना कि कहाँ होता बेटा, रेजोनेंस में, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्पेशल कंडीशन टाइप का ही होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक तरीके से कॉन्जुगेशन ही है, लेकिन बताए थे ज़बरदस्ती के एक तरीके से कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहाँ अगर बेटा बात करें हम, तो ज़्यादा डिस्पर्सन कहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा डिलोकलाइज हो रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ रेजोनेंस डोमिनेट करेगा और आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर में थर्ड। देन अब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, ये sp2, ये भी sp2, ये भी एक तरीके से sp2 पे है, लेकिन यहाँ s का करेक्टर ज़्यादा होगा, और s का करेक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी का बढ़ना, और अगर इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी कार्बन की, तो पॉजिटिव चार्ज अगर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम पर होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आ जाएगा सेकेंड, देन हमारा आ जाएगा क्या है बेटा, बोलो, फर्स्ट, और लास्ट में लोगों का आ जाएगा 4। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा किसका, कार्बोकैटायन का, ये बात क्लियर है।
अगर ऐसे दिया हो, मान लिया जाए, एक एग्जांपल ले लें हम लोग, फर्स्ट सेकंड ये ले लें, थर्ड ये ले लें, ठीक है। अगर बात करें बेटा, यहां हमसे पूछे कोई व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, एक और आप ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये हो, चलो यहां क्या होगा, रेजोनेंस, यहां भी क्या है, रेजोनेंस, क्योंकि कंजुगेशन जहां वहां रेजोनेंस, यहां भी कंजुगेशन में पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी कंजुगेशन में पॉजिटिव चार्ज है, यहां कंजुगेशन नहीं है, यानी कि केवल हाइपर कंजुगेशन। तो अगर हाइपर कंजुगेशन है तो उस पर रेजोनेंस डोमिनेट करेगा, यानी कि सीधी सी बात यह है कि ये तीनों ज्यादा स्टेबल होंगे किससे बेटा, फोर्थ वाले से। अब बात यह आती है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में, तो यहां अगर हम बात करें बेटा इस सवाल को, अगर हम एक्सप्लेन करें ऐसे, ये हटा दें ऊपर, ठीक है, अगर हम बात करें इस तरीके से, तो यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजिशन। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट पोजिशन होगा उतने ज्यादा आर एस बनेंगे इसके, और जितने ज्यादा आर एस बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। यहां अगर देखें तो एक दो दो कॉन्जुगेट पोजिशन है, यहां कितने बेटा, एक दो तीन, भाई अल्टरनेट पोजिशन पे आना है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। यहां भी देखें तो कितने कॉन्जुगेट पॉजिटिव चार्ज है, पाई सिग्मा फिर उसके बाद, यानी कि ज्यादा आर एस किसके बनेंगे बेटा, इस वाले के बनेंगे, किसके बेटा, थर्ड वाले के, है ना। तो थर्ड वाले के अगर ज्यादा आर एस बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होगा, और जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होगा उसकी स्टेबिलिटी हम क्या कहेंगे बेटा, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल आ रहा होगा बेटा, थर्ड मोर स्टेबल आ रहा होगा किससे बेटा, बोलो, थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा किससे, सेकंड से, देन क्या आएगा, फर्स्ट, और लास्ट में हमारा आ जाएगा क्या, फोर्थ। तो अगर स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन की बात करें तो ये इसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइल कार्बोकैटायन, क्या कहते बेटा, बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये याद रहे, इसको हम एलाइल कार्बोकैटायन कहते हैं, क्या कहते हैं, एलाइल कार्बोकैटायन, क्या कहेंगे, एलाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, ये बात क्लियर है। चल यहां अगर हम बात करें तो एक बात और ध्यान रहे कि जब भी आर एस बराबर हो जाएंगे बेटा, आर एस बराबर बने होंगे तभी हम किधर जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ, या अदर फैक्टर्स को हम चेक करेंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल इस पे करते हैं, आई होप हो गया होगा। अगर हम बात करें इस तरीके से, जैसे सपोज करो आपके पास एक एग्जांपल ये दिया हो, ये पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड ये, थर्ड ऐसे दिए, और आपसे पूछा व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन, तो आर एस देखो बेटा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, आर एस लगभग बराबर, क्या बराबर ही है, लेकिन यहां देखेंगे तो अल्फा एच कितना, तीन, यहां अल्फा एच तीन छः, यहां अल्फा एच कितना, तीन दो पांच, तो आर एस बराबर थे तो हम क्या चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके ज्यादा बनेंगे बेटा, सेकंड वाले के। तो स्टेबिलिटी के जो ऑर्डर आएगा क्या आएगा, स्टेबिलिटी सब सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन क्या जाएगा बेटा, थर्ड, और देन आ जाएगा क्या हमारा, फर्स्ट, है ना।
तो अगर रेजोनेंस नंबर ऑफ आर एस सेम हो रहे हैं तो हम जनरली किधर मूव करेंगे, टुवार्ड्स हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली बेटा, है ना, हो गया। अब इसीलिए जनरली बोल रहे बेटा कि सपोज करो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आर एस किसी के कम बन सकते हैं, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया जाए हमारे पास एक ऐसे कोई बना दिया ओ सी एच टू और पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट, सेकंड कोई बना दिया ऐसे बेंजाइल कार्बोकैटायन, क्या बना दिया, बेंजाइल कार्बोकैटायन, और इन दोनों में कोई पूछ लिया व्हिच इज मोर स्टेबल, व्हिच इज मोर स्टेबल, तो नो डाउट बेटा यहाँ अगर आपसे कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा हो तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या लिखेंगे इसको, यहाँ जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आएगा कि आपको फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकेंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, वो जाहिर सी बात है यहाँ रीजन क्या हो रहा होगा, नो डाउट इसके आर एस कम बनेंगे, जिसके आर एस भाई दो लोन पेयर हैं नो डाउट, ठीक है। अगर इसके आर एस हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाए बहुत होगा, और इधर आएगा तो क्या बन सकता है, एक आर एस ये बना देंगे हम लोग सी एच टू पॉजिटिव चार्ज, और ये बन जाएगा, यही तो बनेगा आपका। लेकिन इस इधर भी अगर देखें बेटा तो यहाँ क्या आर एस बन सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ जो आर एस बनेगा बेटा ये ऐसे जाएगा, नो डाउट ये बन जाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड सी एच टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे, फिर ये यहाँ जाए, फिर इस तरीके के एक आर एस ऐसे सी एच टू पॉजिटिव चार्ज, फिर ये यहाँ हम यहाँ बना दे रहे बेटा, आपके पास क्या बन जाएगा सी एच टू ये पॉजिटिव चार्ज, फिर वापस ऐसे ये सी एच टू पॉजिटिव चार्ज ये बन गया। लेकिन देखो आर एस कितने बने, अगर हम ऐसे बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, पांच आर एस इसके बने हैं, इसे कितने बने हैं फर्स्ट सेकेंड। तो जरूरी है कि हमेशा नंबर ऑफ आर एस ही चेक करें हम, बाकी भी फैक्टर देखेंगे, याद रहे हमेशा एक फैक्टर तो हमेशा याद रखो बेटा कि कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन ऑलवेज वांट टू अचीव देयर ऑक्टेट, यानी कि कार्बोकैटायन हमेशा क्या अचीव करना चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े बेटा तो कोशिश करेगा कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले जाए, ठीक है। इस केस में नो डाउट आर एस आपके दो ही बने हैं, और इस केस में आर एस आपके कितने बने हैं, पांच। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे लोन पेयर आपका ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होगा कंजुगेशन में, ये क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, आठ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी, आठ इसके पास भी, और ये क्या हो जाएगा स्टेबल। लेकिन यहाँ क्या है, कहीं भी अगर हम किसी भी आर एस में चेक करने जाएं, किसी भी आर एस में बेटा अगर हम चेक करने जाएं तो कहीं भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मिलेगा, नो डाउट आर एस ज़्यादा बनना है इसमें कोई डाउट नहीं बेटा, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखो सिक्स इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन, सिक्स सिक्स, और फिर वापस यहाँ भी क्या है सिक्स, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मिलेगा। यहाँ दो ही आर एस बने लेकिन ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर किसी कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा क्या हो जा रहा होगा, स्टेबल, नो डाउट आर एस यहाँ कम है और आर एस यहाँ क्या थे, ज़्यादा थे, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होगा किसके कंपेयर में बेटा, इसके कंपेयर में। उसके पीछे रीजन क्या निकल के आ रहा है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, अगर अपना ऑक्टेट थ्रू द रेजोनेंस कंप्लीट कर रहा है इसका मतलब दैट सिस्टम इज हाईली क्या होगा, स्टेबल, क्या होगा, स्टेबल। तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछेंगे तो क्या बताएंगे हम लोग, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, यानी बेंजाइल कार्बोकैटायन से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, ज़्यादा हो रही है। आई बात क्लियर, तो ये आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हेडिंग हम लोग एक डालते हैं, ठीक बेटा, आई होप हो गया होगा ये बातें क्लियर, ठीक है। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन से जो आपका ये कार्बोकैटायन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर बात करें इसी में, अगर हम लिखें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बो कैटायन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बो कैटायन है ना, अभी हम लोग देखें बेंजाइल कार्बो कैटायन को, बेंजाइल कार्बो कैटायन किसे कहते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बो कैटायन, तो यहां बेटा अगर देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बो कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बो कैटायन इज डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। बेंजाइल कार्बो कैटायन की जो स्टेबिलिटी आती है बेटा किस पे डिपेंड करती है, बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप मौजूद होंगे उनके नेचर पे, है ना। फर्स्ट पॉइंट, इफ ऑन बेंजीन रिंग क्या मौजूद है बेटा, इफ ऑन बेंजीन रिंग -R and -I इफेक्ट ग्रुप आर प्रेजेंट देन, तो क्या हो सकता है ना। अगर बेंजीन रिंग पर क्या हो, -R और -I, फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा हम ऐसे बना लें स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये हमारा क्या है CH2+, फर्स्ट सेकंड क्या बना लिया हम लोग, ये CH2, थर्ड क्या बना लें हम लोग कुछ ऐसा ही CH2+, और फोर्थ ये बना लें CH2+। चार, अब हम क्या लिखें ऊपर, ध्यान से देखो ऊपर लिखें, इफ ऑन बेंजीन रिंग -R and -I इफेक्ट ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन क्या हो सकता है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब ध्यान से देखो यहां अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें बेटा, चलो फर्स्ट कोई ग्रुप नहीं लगा रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में ध्यान से देखो एक बात तो समझ लो, ये बातें पढ़ा भी चुके हैं आपको कि इसके रिस्पेक्ट में ये तो इफ्सो हो जाएगा, जिस पे ये लगा होता है इफ्सो, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, आर्थो मेटा और पैरा, तो ये क्या होगा आर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा। जब भी ध्यान से देखो RS हम बनाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजिशन पर जाएगा बेटा, जैसे यहाँ से कहाँ जाएगा आर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर कहाँ जाएगा बेटा आर्थो पे जाएगा। यानी कि ये बात हमेशा याद रखना होता हमको कि अगर कोई ग्रुप आर्थो और पैरा पर होगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई ग्रुप आर्थो और पैरा पे होगा और रेजोनेंस इफेक्ट शो कर सकता है तो वो रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेगा और इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप मेटा पोजिशन पर इसके रिस्पेक्ट में हो, कहाँ बेटा मेटा पोजिशन पर, तो मेटा पोजिशन पर रहने वाला ग्रुप कभी रिजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट शो करेगा और वो क्या होगा बेटा इंडक्टिव, क्या होगा इंडक्टिव। ध्यान से देखो तो मान लिया जाए अगर -R -I की बात करें, जैसे हमारे पास क्या हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, मान लिया जाए हमारे पास यहाँ क्या दिया है, NO2 दे दिया, CHO दे दिया, CN दे दिया, COOH दे दिया, CONH2 दे दिया, पढ़े हम लोग COOR दे दिया, एस्टर दे दिया। अब ये सब ग्रुप कैसे होते हैं, -R होते हैं और -I होते हैं, -R भी होते हैं और -I भी होते हैं। इनका हमेशा देखेंगे क्या होंगे, ये
माइनस आर भी होंगे माइनस आई, और हमेशा इनका माइनस आर माइनस आई से क्या करता है, डोमिनेट करता है। माइनस आर ज़्यादा होगा किससे, माइनस आई से। अब मान लिया जाए, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यहाँ लगा दिए क्या एन ओ टू, यहाँ क्या लगा दिए एन ओ टू, यहाँ क्या लगा दें एन ओ टू, ध्यान समझो बेटा क्या लगा दिए एन ओ टू, यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा है, छोड़ो इसको। अगर यहाँ एन ओ टू लगा रहे हैं तो एन ओ टू क्या शो करेगा, माइनस आर माइनस आई, लेकिन आर्थो पे अगर होगा, आर्थो पे होगा बेटा तभी माइनस आर और माइनस आई होगा, ठीक है। अगर आर्थो पे है तो यहाँ ये क्या शो कर रहा होगा, माइनस आर भी शो कर रहा होगा माइनस आई भी शो कर रहा होगा। मेटा पर है तो केवल और केवल माइनस आई, क्यों माइनस आई, चूँकि पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से होकर गुजरेगा नहीं, यहाँ से गुजरेगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज जब भी गुजरेगा यार्थो और पैरा फिर आर्थो से, तो यहाँ जब नहीं आएगा तो रेजोनेंस इफेक्ट तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब माइनस आई। यहाँ भी क्या शो करेगा बेटा, माइनस आर माइनस आई, ये बात क्लियर हो गया पैरा पे भी। अब यहाँ बात करें हम लोग, देखो ध्यान से, यहाँ से ना तो जिस बेंजीन रिंग से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर कोई ले जाएगा ग्रुप, क्या करेगा बेटा, कोई ग्रुप बाहर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हम कहेंगे उस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस रिंग में घटेगी, हम कहेंगे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी, है ना। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी का बढ़ना, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी का बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी का घटना, ये सब पीछे पड़े हो। अब यहाँ देखिए माइनस आर है माइनस आई है, नो डाउट माइनस आई, यहाँ यहाँ माइनस आर माइनस आई, नो डाउट अगर कोई ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन ले जाए और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ले जाए, तो इसका मतलब क्लियर है, इसका मतलब बेटा क्या है, क्लियर है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, यानी कि वहाँ से अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे तो उस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी जैसे जैसे रिंग में घटेगी, है ना, सॉरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी जैसे रिंग में बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बेटे क्या होगी, बढ़ जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ भी रेजोनेंस इफेक्ट, ये बात क्लियर है। अब बात आती है रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ये बात क्लियर है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये NO2 पास है तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, और ये NO2 दूर है तो माइनस आई हो जाएगा यहाँ मिनिमम, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बात करें तो नो डाउट यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन ना तो जा रहा ना आ रहा, जितना है उतना ही है, तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर निकल के आएगा बेटा वो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, यहाँ तो कोई बात ही नहीं, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब बात आ रही इन तीनों में, यहाँ से माइनस आर माइनस आई, यहाँ से भी माइनस आर माइनस आई, यानी इन दोनों रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे इन कंपेयर टू किसके, इसके, तो इन दोनों में ऐसे अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इन दोनों में ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी इन दोनों की, कम होगी, इसका मतलब ये ज़्यादा क्या हो गया, स्टेबल, क्यों, चूँकि यहाँ से तो केवल और केवल माइनस आई है, क्या है बेटा, माइनस आई, तो फिर आ जाएगा नंबर किसका, थर्ड का, ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ सेकंड और फोर्थ में कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ भी रेजोनेंस और इंडक्टिव, यहाँ भी रेजोनेंस इंडक्टिव, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में क्या बताएं, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, यानी रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू दोनों में से बराबर इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जा रहे होंगे, लेकिन अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या बन के निकल के आएगा यहाँ, वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें हम लोग तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ क्या है बेटा, ज़्यादा है, यहाँ क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण कम है, तो इसका मतलब है यहाँ से ज़्यादा इस रिंग से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस रिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, ये बात क्लियर है। तो फिर आंसर में क्या हम लिख दें हम लोग बेटा, फोर, देन क्या जाएगा आपका टू, यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आएगा हमारा फर्स्ट, देन क्या आएगा उससे कम स्टेबल थर्ड, उससे कम फोर्थ, और सबसे कम स्टेबल जो आएगा वो होगा हमारा सेकंड। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, क्लियर हो रही है बेटा, तो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना, चलो ठीक है।
अब आपसे एक कोई एग्जांपल पूछे, ऐसे कोई बना दिया हो, मान लिया जाए ऐसे बेटा दिया हो, सपोज करो ये यहाँ दिया CH2+ और यहाँ क्या लगा दिया CHO फर्स्ट, सेकंड आपके पास कोई ऐसे ऑप्शन बना दिया, ये दिया हो CH2+, ठीक है, और यहाँ क्या लग दिया हो CHO, ठीक है, थर्ड ऑप्शन दे दिया हो यहाँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ क्या दे दिया CH2+ और क्या रख दिया NO2, और यहाँ फोर्थ ऑप्शन बना दिया कुछ ऐसा CH2+, और यहाँ क्या रख दिया, मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया हो यहाँ क्लोरीन है ना, या कुछ भी क्लोरीन छोड़ो भी, यहाँ रख दो मान लीजिए NR3 और पॉजिटिव ऐसे लिया, ठीक है, और पूछ लिया व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटन, व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटन। अब ध्यान से देखो, इसमें अगर हम आपसे बात करें कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ, जैसे यहाँ देखो बेटा इन दोनों में यहाँ क्या लग रहा होगा, यहाँ क्या लग रहा हो बेटा -R, इसके रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे है, अच्छा ये CHO है आर्थो पे और CHO ग्रुप -R भी शो करता है, पता ही है, यानी कि यहाँ क्या होगा -R भी होगा -I भी होगा, ठीक है, यहाँ मेटा पर है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ केवल और केवल -I होगा, ठीक है, यहाँ भी क्या होगा -R भी होगा -I भी होगा, और यहाँ केवल और केवल -I होगा, आई होप बात क्लियर हो गई, इसका मतलब क्लियर है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर में रेजोनेंस इफेक्ट तो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट के कंपेयर में हमारा जो रेजोनेंस इफेक्ट होगा वो तो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं बेटा, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे इन कंपेयर टू किसके बेटा इसके, है ना, क्यों, चूंकि ये तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट भी है और खास कर क्या है इंडक्टिव इफेक्ट भी है, तो अब बात आती है कि इन दोनों रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई तो हम जाहिर सी बात है क्या कहेंगे कि स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा कम, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी कम, तो अब इन दोनों में बात करें इन दोनों में कहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो तो अभी छोड़ दे, खैर पहले इन दोनों कंपेयर कर लें, यानी ये दोनों अनस्टेबल कार्बोकैटायन होंगे इन कंपेयर टू इसके 2 और 4 के, ये तो बात क्लियर है, अब 2, 4 में केवल इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट में किसका -I ज़्यादा होता है पढ़े हम लोग, -I की बात करें तो NR3 का -I ज़्यादा होगा किससे CHO से, ये तो बात पढ़े पीछे पढ़ चुके हैं सब, ठीक है, अगर NR3 प्लस CHO से ज़्यादा -I शो करेगा तो इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसका -I बड़ा है इसका -I छोटा है, यानी कि इसका -I हम क्या कहते बेटा बड़ा और इसका -I क्या है छोटा, और जिसका -I बड़ा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ क्या होगी बेटा बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी घटेगी, तो CHO और इसमें अगर कंपेयर करें हम ये दोनों ज़्यादा स्टेबल हैं इससे, ये दोनों 2 और 4 ज़्यादा स्टेबल 1 और 3 से, लेकिन 2 और 4 में ज़्यादा स्टेबल कौन निकल के आया बेटा तो हो जाएगा वो 2, यानी कि 2 ज़्यादा स्टेबल होगा किससे बेटा 4 से, 2 ज़्यादा स्टेबल होगा किससे 4 से, अच्छा ये तो बात क्लियर हो गई, अब 1 और 2 में CHO NO2 -R -I दोनों में कौन डोमिनेट करता है NO2, NO2 का -R भी ज़्यादा है और -I भी ज़्यादा है, NO2 का क्या बेटा ज़्यादा -R भी ज़्यादा है और -I भी ज़्यादा है, तो अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करने बोलें तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कौन ज़्यादा होगा बेटा कौन ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा किससे थर्ड से, क्योंकि इसका CHO का -R और -I NO2 से क्या है बेटा कम है, तो ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रा करा पाएगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा कराएगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रा कराएगा, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई ज़्यादा तो स्टेबिलिटी हो जाएगी कम, यानी कि 1 और 3 में किसका नंबर आएगा बेटा तो 1, देन किसका आएगा 3, ये बात क्लियर है, ठीक है, बात क्लियर हुई बेटा, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं इसे,
लिक्विड आउट, अब ऐसे ही आपको एक सवाल दिया गया, मान लिया जाए ऐसे बना दिया बेटा CH2+ दिया है, यहाँ यहाँ दे दिया NO2, सेकंड दे दिया CH2+ और यहाँ भी दे दिया क्या NF3+, थर्ड दे दिया हो CH2+, यहाँ क्या दे दिया CN, और फोर्थ दे दिया हो ऐसे कुछ CH2+, और यहाँ दे दिया हो NME3+ ऐसे। अब आपसे पूछा व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटायन, तो आई होप बात क्लियर हो रही होगी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कंपेयर करनी, और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी वही ज़्यादा होगी जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये बात क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, बेंजीन रिंग में, प्रेजेंस ऑफ ग्रुप पे, है ना। यहाँ बेटा NO2 है, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, पैरा पे, तो यहाँ -R भी हो सकता है, -I भी होगा। यहाँ NF3 है, पैरा पे -R भी -I, जबकि ऐसा नहीं होगा, केवल होगा केवल क्या बेटा -I, क्यों बताए थे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जरूर है लेकिन इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है और इसके पास कोई इम्पटी पी आर्बिटल या इम्पटी डी आर्बिटल मौजूद नहीं है, छोड़ो इसको -I। CN -R और -I भी होगा, है ना। CN क्या शो करेगा, पैरा पोजिशन पे है तो -R भी शो करेगा और -I भी शो करेगा। NMA3 मेटा पे हो, अब चाहे इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है या ना शो करता, अगर मेटा पे है तो केवल क्या होगा -I हो जाएगा, क्या हो जाएगा -I। अब यहाँ क्लियर है बेटा, इन्हीं दोनों रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, लेकिन कहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, जिसका रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा। रेजोनेंस इफेक्ट किसका डोमिनेट कर रहा है, CN का कि NO2 का, तो हम कहेंगे NO2 का, ऑर्डर पढ़े आप, NO2 का -R ज़्यादा होता किससे, CN से, इवन उसका -I भी ज़्यादा होता किससे, CN से, तो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे। इन दोनों में हम बात करें, ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन रिंग से कम जाएंगे, और जिस रिंग से इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे हम ये कहेंगे कि उस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम घट रही है, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, अगर बात करें तो कम घटेगी, यानी कि यहाँ और यहाँ बात करें बेटा माइनस, ठीक बेटा। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर हम अब ऑर्डर को अगर कंपेयर करने चलते हैं तो क्या देखते हैं बेटा, यहाँ से, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कहाँ होगी बेटा, -R -I, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले जा रहा होगा, तो हम ऐसे लिख दें क्या कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलो बेटा, इससे कम किसका आएगा, ये भी -R -I, तो इससे थोड़ा कम होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो ऐसे लिख दिया, है ना, ठीक है। चलो बेटा, NF3+ NME3, यहाँ केवल -I के थ्रू जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है बेटा, डिपेंडेंट है, तो ये -I में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा इनके कंपेयर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है कि इससे थोड़ा यहाँ क्या आएगा बेटा, कम आएगा, और लेकिन यहाँ जो आएगा, यहाँ तो इससे भी कंपेयर में क्या आएगा, कम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कहाँ दिखी, यहाँ दिख रही है, जहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, ठीक है। सबसे कम कहाँ दिख रही है, यहाँ, तो स्टेबिलिटी के जो रिलेशन आएगा बेटा, क्या आएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा, सेकेंड, ग्रेटर देन क्या रहा होगा हमारा, एक मिनट बेटा, सेकेंड ग्रेटर देन क्या रहा होगा हमारा बेटा, 4, देन क्या रहा होगा हमारा, 3, और देन 1, यानी कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे क्या है बेटा, कम है, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम है। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, फर्स्ट जो हमारा कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है, ठीक है। अब आप बात को समझो बेटा, अगर हम ऐसे ध्यान से देखें तो एक एग्जांपल और लेते हैं, ऐसे हम लिख दे रहे हैं, सपोज करो, मान लिया जाए अगर हम इसको ले लें बेटा, ऐसे
ऐसे एक ऑप्शन बना लिया गया। चलो CH2 और यहाँ लिख दिया प्लस, सेकेंड यहाँ लिख दिया ऐसे CH2 प्लस, ऐसे CH2 प्लस, और यहाँ भी एक ऑप्शन ऐसे हम बना दे रहे हैं, चलो भाई CH2 और प्लस। ठीक है चलो, अब यहाँ अगर हम सवाल को देखें थोड़ा तो क्या लिख दें, सपोज करो यहाँ लिख दिया गया क्या, मान लिया जाए आपके पास यहाँ ऐसे लिख दें हम लोग CO और यहाँ ME लिख दें। चलो भाई यहाँ क्या लिख दिया हम लोग NF3 प्लस, ठीक है यहाँ क्या लिख दिए NME3 प्लस, यहाँ क्या लिख दिए PME3 प्लस, ऐसे सवाल ही बन गया। अब मान लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या हमारा फोर्थ, और हमसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटायन, व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बोकैटायन। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ सिर्फ देखो इसके रिस्पेक्ट में मेटा पर, तो यहाँ क्या लगाएंगे -i, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पर सीधी सी बात -i, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर सोर्स के रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजिशन पर है तो याद रखिएगा केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा बस। ये देखिए ध्यान से, ये पैरा पर है, क्या बेटा पैरा पे, तो यहाँ पैरा पे है तो -r भी हो सकता है -i भी, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन चूंकि NME3+ है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास ना तो इम्पटी पी आर्बिटल है ना ही इम्पटी डी आर्बिटल, तो ऑब्वियस सी बात है केवल एक किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा -i के कारण। ठीक है यहाँ अगर बात करें बेटा तो PME3+ है, इसके पास इम्पटी डी आर्बिटल होगा और ये -r के थ्रू भी ले जाएगा और -i के थ्रू, ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि फोर्थ वाले में इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जाएंगे, फोर्थ वाले में रिंग से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो हो रहा है दो दो इफेक्ट के थ्रू हो रहा है, एक रिजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है और साथ साथ एक इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, ये बात क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि हम बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज सबसे बड़ा, बात क्लियर हो गया, वहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा। ठीक है अब आते हैं बेटा यहाँ, इसमें क्या हो रहा है कि ये सब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ले जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, जो पास होगा वो ज़्यादा ले जाएगा, इसका मतलब ये दोनों ज़्यादा ले जाएंगे इनके कंपेयर में, ये बात क्लियर हो गया, ये दोनों ज़्यादा ले जाएंगे इनके कंपेयर में, तो इसका मतलब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये दोनों ले जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में, ठीक है, और इससे थोड़ी क्या होगी कम होगी। ठीक है लेकिन इन दोनों में किसका, तो NF3+ और कीटोन का -i अगर हम चेक करें बेटा और डिस्टेंस सेम हो तो किसका -i ज़्यादा होगा, किसका होगा NF3+ का, वेरी गुड, तो NF3+ का अगर -i ज़्यादा है बेटा तो इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले जा रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी, है ना, लेकिन किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में कम और इन दोनों के कंपेयर में ज़्यादा, तुम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है चलो भाई अब यहाँ आते हैं, यहाँ इससे थोड़ा ज़्यादा लेकिन इससे थोड़ा कम है ना, अब यहाँ आते हैं इन दोनों में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बेटा जो हमारा है और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो डिस्टेंस, अभी क्या बताया इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, ये इससे पास है, ये इससे क्या है थोड़ा दूर है, क्या है दूर, तो इसके कंपेयर में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा क्या होगा यहाँ ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ इससे थोड़ा कम होगा और इसका तो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि पास है। अब जहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है स्टेबिलिटी कम, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड, देन क्या आ गया बेटा हमारा आ जाएगा फर्स्ट, देन क्या आ जाएगा सेकेंड और देन क्या आ जाएगा फोर्थ, ये हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, ये बात क्लियर है, ये हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्या जाएगा ऑर्डर आएगा, ये बात क्लियर है बेटा। चलो तो इस तरीके से अगर -r और -i हो, ठीक है -r और -i हो सकता है -r ना भी शो करे कोई ग्रुप, तो याद रहे -i हो जाएगा तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है चलो
एक एग्जांपल और कर लेते हैं हम लोग। मान लिया जाए ऐसे कोई एक सवाल बनाया बेटा, चलो अब आपसे कोई पूछे, ध्यान से देखो, आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बो कैटायन, ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बो कैटायन। अब ध्यान से देखो बेटा, ऐसे कोई दे दिया है और आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, यहां देखो नो डाउट ये चेच होगा, ठीक है, यहाँ NO2 आपको बताए थे बल्कि ग्रुप, अगर बल्कि ग्रुप के बीच में कोई बल्कि ग्रुप आ जाए या दो स्मॉलर ग्रुप के बीच में बल्कि ग्रुप आ जाए, ठीक है, या तीनों बल्कि हो गए तो बात ही खत्म है, तो यहाँ लग जाता है SIR इफेक्ट। क्या लग जाएगा बेटा? SIR इफेक्ट, है ना, SIR इफेक्ट जब लगेगा बेटा तो ये प्लेन से बाहर चला जाएगा, नो डाउट इसके स्टूडेंट पैरा पोजीशन पे था, लेकिन जब प्लेन से बाहर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ केवल और केवल माइनस आई, यहाँ भी क्या है मेटा पर माइनस आई, यहाँ भी मेटा पर माइनस आई, मेटा पर माइनस आई था ही, लेकिन ये NO2 भी क्या है शो करेगा माइनस आई, चूंकि आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, दो बड़े के बीच में छोटा, याद करो दो छोटे के बीच में बड़ा SIR और दो बड़े के बीच में छोटा नो SIR, यानी दो मोटे के बीच में पतला नो SIR और दो पतले के बीच में मोटा SIR, इस बातें पढ़ा चुके पीछे। तो यहाँ बेटा दो मोटे, ये मोटे बड़े बल्कि ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप बताए थे, और यहाँ क्या SIR लगेगा बेटा, यहाँ क्या SIR लगेगा, तो हम लिखेंगे नो SIR, नो SIR, ठीक है, तो नो SIR तो इसका मतलब क्या है माइनस आर, माइनस आर और माइनस आर, यहां बेटा दो मोटे के बीच में पतला, दो मोटे के बीच में पतला, ध्यान से देखो, तो यहां क्या लिखेंगे नो SIR, तो दो मोटे के बीच में पतला नो SIR, तो इसका क्या लगेगा माइनस आर, सॉरी माइनस आई, मेटा पर है तो माइनस आई बेटा, माइनस आई, इसका भी क्या माइनस आई, इसका क्या माइनस आर भी माइनस आई भी, ये बात क्लियर, ठीक है। चलो भाई अब ये तो बात क्लियर हो गया कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी डिलोकलाइज होगा, यहाँ भी डिलोकलाइज होगा, यहाँ भी डिलोकलाइज होगा, खेल जो है वो ग्रुप का है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है कौन कम, तो यहाँ माइनस आई माइनस आई माइनस आई, या माइनस आर माइनस आर माइनस आर, या माइनस आई और माइनस आर माइनस आई इसका हो जाएगा, तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, ये तो बात क्लियर है बेटा, यानी इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है ना, यानी इस पर मान लिया जाए ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ रही होगी, यहाँ और यहाँ आप कंपेयर करें, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो आ रही है उसकी बात करें बेटा, यहाँ अगर हम बात करें तो माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ये दोनों तो सेम हो गए, यहाँ माइनस आई है यहाँ माइनस आर माइनस, इसका मतलब ये ज़्यादा ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा जाएगा तो इसके कंपेयर में पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी थोड़ी क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ कम आ जाएगी, और यहाँ यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम सबसे ज़्यादा। अब कहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे कम बेटा, फर्स्ट तो हम कहेंगे फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो रहा हो किससे बेटा, थर्ड से, और थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, सेकंड से, ये हो जाएगा इसका आंसर, यही क्या होगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो बेटा ये बात क्लियर है, हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है,
तो ये बात क्लियर हो गया ना कि अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन की हम स्टेबिलिटी मेजर करते करने के लिए जा रहे हैं तो बेंजाइल कार्बोकैटायन में क्या चेक करना होगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ ग्रुप। तो पहला जो कंडीशन लोग पढ़े, अगर बेंजीन रिंग पर, बेंजाइल कार्बोकैटायन के बेंजीन रिंग पर क्या लगाओ, माइनस आर और माइनस आई, तो इस तरीके से हम सवाल को क्या कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। ये बात क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो ये बातें क्लियर हैं, ठीक है। इसी के साथ बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।